हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोरियन कॉन्सनेंट जो कि 14 है। और ये 14 कॉन्सनेंट बेसिक कॉन्सनेंट है। इसके अलावा भी इस कॉन्सनेंट को थोड़े अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जैसे हम आते हैं नंबर वन की तरफ, ये है, ये आपको खे का साउंड देगा। ये सिर्फ डायरेक्ट के इस तरह का साउंड नहीं देगा बल्कि इसके अंदर हैच का साउंड थोड़ा आएगा, जैसे कि खे। नंबर दो पे है ने जो के एन का साउंड देगा। नंबर थ्री पर है थे थे जो के टी का साउंड देगा। नंबर फोर पे है रे या फिर ले, और ये कभी आर का साउंड देता है कभी एल का साउंड देता है। नंबर फिफ्थ पर है मे जो के बॉक्सिंग बॉक्स होता है ये इस तरह से, जो के मे का साउंड देता है। नंबर सिक्स पर है भे जो कि पी का साउंड देता है। और इन वर्ड्स में लास्ट में हमको हैच लगाना होता है जैसा भे। और नंबर सेवन पे है से जो कि एस का साउंड देता है, पर डायरेक्ट एस नहीं, यहाँ पर हैच भी लगाया जाएगा जो कि से का साउंड देता है। नंबर एट है, ये है सर्कल जो कि जिसको कहते हैं इयोंग, जो साउंड देता है इयोंग, एओंग का साउंड देता है। नंबर नाइन पर है जे जो कि जे का साउंड देता है, तो इसको झे इस तरह से पढ़ते हैं। नंबर टेन पर है चे जो कि चे का साउंड देता है, जो देखने में दोनों सिमिलर है लेकिन बस इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन है। नंबर इलेवन है खे जो कि खे का साउंड देता है। ये खे और ये के दोनों आपको सिमिलर दिखेंगे, बस इसमें एक यहाँ पर लाइन आने की वजह से इसमें हैच का साउंड ज़्यादा आएगा। जैसे कि हम इसको कह रहे थे खे, तो इसको हम कहेंगे खे। नंबर 12 पे है थे, ये थे और ये ते दोनों सेम है लेकिन इसमें हैच का साउंड कम आएगा और इसमें हैच का साउंड ज़्यादा आएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे थे। और नंबर 13 पर है फे जो कि पी हैच का साउंड देगा। और नंबर 14 पे है हे जो कि हैच का साउंड देगा। अब इसके अलावा अदर कंसोनेंट भी है जो कि सिमिलर है इसके, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे कि हम के है, के को अगर हम डबल लिख देंगे तो यहाँ पर भी ये डबल के का साउंड देगा, जैसे हम इंग्लिश में के पढ़ते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे थक्को की, तो हम इसको डबल के का साउंड को के डायरेक्ट के का साउंड लेंगे, हम इसमें हैच का साउंड ऐड नहीं करेंगे। और ये है जो कि एन का साउंड देगा अगर इसको डबल कर दें इसे तो। और ये है डबल टी का साउंड देगा, ये डबल बी का साउंड देगा जैसे कि ब, ये डबल एस का साउंड देगा जैसे स, डबल थे का साउंड देगा, ये डबल फे का साउंड देगा। इसी तरह से जो भी लेटर्स है अगर इसको डबल लिख दिया जाएगा तो वो डबल लेटर का, जैसे कि जे है तो डबल जे का साउंड देगा इस तरह से अगर लिखेंगे, वरना अगर इसको सिंगुलर टाइप पर लिखा जाएगा तो हर वर्ड के बाद आपको यहाँ पर छोटा सा हैच ऐड करना होगा आपको, लेकिन हैच का साउंड कम लाना होगा और उस लेटर का साउंड आपको ज़्यादा लाना होगा। तो ये थे कॉन्सनेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।